की मेहंदी मुझ पे चोट बन के उभर आती है। तेरे माथे की बिंदी मेरी हाथों की लकीरें खा जाती है। फिल्म रांझणा अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा कि फिल्म में कई सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो आज भी आपको याद होंगे। अगर कभी आप कुंदन नाम सुन लेंगे तो आपको जोया और कुंदन का प्यार एकाएक याद आ जाएगा। फिल्म रांझणा के कई सारे डायलॉग्स आपके दिमाग से सीधा आपकी जुबान पर निकल आएंगे। चलिए एक बार फिर से आनंद एल राय और कुंदन का रियूनियन होने वाला है, यानी कि धनुष के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2013 में रिलीज हुई थी फिल्म रांझणा और अब रिलीज होने वाली है 2024 में फिल्म तेरे इश्क में। आनंद एल राय ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है और ये साफ कर दिया है कि ये फिल्म भी रांझणा से इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जी हाँ, फिल्म में कुंदन था जो प्यार में इतना पागल था कि अपने प्यार के लिए जान देने को कुर्बान हो गया। उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन ये शंकर है और ये इस तरह का पागलपन करता है प्यार में कि ये पूरी दुनिया जलाने का दम रखता है। काफी कुछ नया और इंटरेस्टिंग आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म भले ही रांझणा से इंस्पायर्ड है, फिल्म के डायलॉग्स ऑब्वियसली काफी दमदार होंगे, लेकिन फिल्म काफी सारी मिस्ट्रियस चीजों से भरी होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर कुंदन का किरदार काफी ज्यादा गुस्सैल दिखाया गया है, काफी पागलपन है, बौखलाया हुआ है प्यार में। इसे देखना दिलचस्प होगा कि रांझणा के बाद अब आनंद एल राय और धनुष बड़ी स्क्रीन पर क्या धमाल करेंगे। वेल, आप एक्साइटेड हैं या नहीं इस रीयूनियन के लिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।